नगीना सर्व समाज अमन कमेटी की बैठक हाजी जान मोहम्मद ठेकेदार के आवास पर हुई, जिसमें मुख्य कार्यकारिणी के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर प्रेमचंद ने की। सर्वसहमति से निर्णय लिया गया कि भाईचारा मजबूत करने के लिए गांव में अगले सप्ताह से अभियान चलाएंगे। शांति बहाल होने के बाद मुस्लिम समाज शोभा यात्रा निकालने का प्रस्ताव हिंदू समाज के सामने रखेगा। नगीना के बड़ाकली चौक पर हिंसा में हुई दुकानदारों के नुकसान की भरपाई सर्व समाज अमन कमेटी करेगी। शनिवार को शासन प्रशासन के साथ मिलकर गरीबों के लिए रेहड़ियों व अन्य सामान का वितरण किया जाएगा। इस दौरान ब्लॉक समिति सदस्य वीरवल भारद्वाज ने कहा है कि G20 शिखर सम्मेलन की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने शोभा यात्रा को अनुमति नहीं देकर अच्छा फैसला किया है। इस पर किसी को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आपसी भाईचारे और विदेशी मेहमानों का मान सम्मान जरूरी है। उन्होंने कहा है कि धार्मिक यात्राएं तो नूह जिले में शांतिपूर्ण तरीके से निकलती आ रही हैं, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ। हमारा भाईचारा इतना कमजोर नहीं है जिसे चंद शरारती तत्व तोड़ पाए। गांव मरोड़ा के सरपंच मुश्ताक खान, जलालपुर फिरोजपुर के सरपंच अजीज हुसैन, सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद खालिद मड़ी, हाजी जान मोहम्मद ठेकेदार अटेना ने कहा है कि जल्दी ही अमन कमेटी पड़कली चौक के नुकसान की भरपाई करेगी। उन्होंने कहा कि अगर शोभा यात्रा गुजरती है तो उसका फूल मालाओं से भव्य स्वागत होगा। जिला प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से अनुमति नहीं देने का फैसला किया है, तो इस शिखर सम्मेलन में आने वाले राष्ट्रीय अध्यक्षों को अच्छा संदेश देना है। सामाजिक कार्यकर्ता राजुद्दीन व मौलवी फारूक खान का कहना है कि शांति बहाल होने पर मुस्लिम समाज शोभा यात्रा निकालने के लिए हिंदू समाज के सामने प्रस्ताव रखेगा। यहां से 84 कोस प्रेस परिक्रमा कावड़ यात्रा भी शांतिपूर्ण निकलती आई है। शोभा यात्राएं भी हर साल निकलती हैं, कभी कुछ नहीं हुआ। भाईचारे के संदेश को सर्व समाज अमन कमेटी नगीना मजबूती प्रदान करने में जुटी हुई है। आप देख रहे हैं मेवात ब्यूरो रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद खालिद है और मैं अमन कमेटी नगीना की है उसमें एक मेंबर के रूप में। आज मीटिंग आपकी हुई है, इसको लोग लेके ये है कि हमारे जो अमन कमेटी की आज मीटिंग हुई है उसमें हमारे अमन कमेटी ने एक थैंक्स का शुक्रिया अदा किया है प्रशासन का और सरकार का कि आने वाले वक्त में बेहतर डिसीजन सरकार लेती है और हमारे कमेटी के नज़र में ये अच्छा डिसीजन है सरकार का कि भाईचारे को बनाए रखने के लिए जो भी डिसीजन उन्होंने लिया है और यात्रा कैंसिल करने का उसका बहुत बहुत स्वागत है कमेटी की तरफ से। देखो, अमन कमेटी का मकसद होता है अमन कायम करना और अमन किसी एक जाति या एक धर्म के लिए नहीं, अमन है तो पूरी दुनिया के लिए, पूरे देश के लिए, इलाके के लिए। आज पूरी मेवात के लिए हम अमन का काम करेंगे। हमारी जो कोशिशें हैं वो अमन की हैं। अगर प्रशासन 1% देता है, इजाज़त देता है, हमें उसमें कोई ऐतराज़ नहीं है। भाईचारा से, प्यार से मिलके हम सब लोग भाईचारा कायम करने के लिए आगे भी कदम बढ़ाएंगे और उसमें हम लोग कोई ऐतराज़ नहीं करते उस चीज़ में। इसमें यह है कि हम लोगों ने 11 तारीख को ही एक अमन कमेटी की, जो पहले आप नगीना ब्लॉक की, चूंकि मैं बात कर रहा हूँ पूरे मेवात की नहीं है, हम लोगों ने नगीना ब्लॉक की 11 तारीख को एक अमन कमेटी बनाई और उसके तकरीबन 63 लोग थे जो यहाँ के आसपास के जो सम्मानित लोग हैं, चाहे उसमें सरपंच हैं, पंच हैं या जो भी लंबड़दार है, कोई भी है, जिससे लगा कि भाई ये दोनों समाज से बराबर के लोग हैं, तो हम लोगों ने दोनों समाज से इकट्ठे करे और कर हमने एक मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद एक डिसीजन हुआ था और हम लोगों ने एक यहाँ पर अमन कमेटी की मीटिंग की, तो मीटिंग की थी। मीटिंग में डिप्टी साहब और काफ़ी लोग आए थे, उसकी हमने पहल की थी और उस दिन हमने एक फ्लैग मार्च भी निकाला था पड़कली पर। कोशिश की थी, उस वक्त लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग अपने बिजनेस पे दोबारा आएँ, अपने चमन को दोबारा से करें, जो चमन उजड़ गया था उसको कायम करने के लिए, उसको दोबारा से लाने के लिए हमने दुकानें खुलवाई और एक फ्लैग मार्च निकाला उस दिन यहाँ हमने सभी ने। उसमें सभी धर्मों के लोग हम लोगों के साथ हैं यहाँ पर, हमने अमन के लिए कायम किया, उसमें हम लोगों ने पहल की थी। और बीच में हम लोगों ने कई बार मीटिंगें हमारी हुई हैं, तो मीटिंग होने पर एक बार डिसीजन ये लिया गया था जिन लोगों के, चूँकि जिन लोगों के कुछ लोगों ने दुकानें या रेहड़ियाँ या कुछ नुकसान कर दिए थे, जो छोटे काम करने वाले लोग हैं,
जो बेचारे सुबह कमाते हैं शाम को अपना घर चलाते हैं, उन लोगों के लिए अमन कमेटी ने एक फैसला ये लिया था कि उनके लिए हम रेहड़ियाँ खरीद कर और अमन कमेटी की तरफ से उनको डोनेट करें। और आने वाले वक्त में हम बहुत जल्दी 1-2 दिन में हम वो प्रशासन के सहयोग लेकर उसको हम लोग उनमें बांटेंगे अभी जल्दी। हाँ, इसके लेके हम लोगों ने डिप्टी साहब से 2 या 3 बार, DSP साहब से मीटिंग भी कर 3 बार मीटिंग कर चुके हैं। और हमने डिप्टी साहब को कहा भी था ये कि भाई सर इस तरीके की जो प्रॉब्लम हो रही है और ये सारी हमने चिन्हित करके बताई थी। हमने साहब को एक चीज़ ये बताई थी कि सर हमारे यहाँ पर चूंकि बड़कली एक बाज़ार है, यहाँ के लोग आते जाते रहते हैं, क्योंकि हम बड़कली की ज़्यादा बात कर रहे थे और बड़कली पे लोग आते जाते रहते हैं, तब मरोड़ा का आदमी तो बड़कली होकर निकलेगा और बड़कली पे आम आदमी भी आते जाते हैं, बहुत से लोगों की दुकानें हैं, बहुत सी दुकानें हैं। तो हमने सर से कहा था जो लोग नाजायज है जिसका इसमें कोई हिस्सा नहीं है, दो चीज़ें इसमें आई थी, एक तो लोकेशन के ऊपर, लोकेशन में एक परेशानी ये है, बहुत से लोगों का घर है बड़कली पे, बहुत से लोगों की दुकान है, गरीब आदमी है, रिक्शा चलाने के लिए कोई आ गया, एक हमारे साथ जहाँ बता रहे हैं भाई मेरे दोस्त लोग हैं, तो उसके लिए हमने रिक्वेस्ट की है प्रशासन से, पहले भी रिक्वेस्ट की, अब भी की है और आगे भी हम रिक्वेस्ट कर रहे थे। उस दिन हमारे साथ में डिप्टी साहब ने साफ ये कहा था कि निर्दोष कोई भी आदमी है, SO साहब ने भी ये बात कही थी, निर्दोष कोई आदमी है हम उसकी जाँच करेंगे, अगर वो दोषी नहीं है तो उसको छोड़ेंगे। इसमें कामयाबी भी मिली है। क्या नाम है जी? मेरा नाम सर जान मोहम्मद है, गाँव टेर शमसाबाद है। मैं सर्व समाज अमन कमेटी नगीना का सदस्य हूं। हमने ये कमेटी इस दंगे के बाद में गठित करी है, अगर ये कमेटी पहले होती तो ये नौबत नहाती, इसीलिए भविष्य में कोई ऐसी दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, दूसरी घटना ना हो, इसलिए हमने अमन कमेटी बनाई है। और हमने इसमें 63 सदस्यों की कमेटी है हमारी, तो हमने इसमें यही पहल की है, जिन भाइयों को नुकसान हुआ है उनके हम घर घर जा रहे हैं, उनका नुकसान जैसे बड़ा नुकसान हुआ उसकी तो हम भरपाई नहीं कर पाएंगे, सरकार करेगी, कोशिश उसकी भी करेंगे, छोटा नुकसान हुआ है किसकी रेहड़ी तकत को खोखा में नुकसान हुआ है उसके लिए हमने रेहड़ी बनवाई है कुछ तो बांटने के लिए गरीबों के लिए, और भी घर घर जा रहे हैं, छोटी मोटी समस्याओं से हम सॉल्व कर रहे हैं जी। ये प्रशासन की अच्छी पहल है जी, क्योंकि G20 का जो सम्मेलन है उसको देखते हुए और अभी ताज़ा थोड़े हालात खराब है, थोड़ा और समय ले इसमें तो बाद में निकल जाएगी यात्रा, तो यात्रा तो अब 28 में निकलती तो हम तो जब भी स्वागत के लिए तैयार थे, तो बाद में निकल जाए और अच्छा है, माहौल और अच्छा हो जाएगा, बाद अनुकूल हो जाएगा। मेरा नाम डॉक्टर प्रेम, गांव मरोड़ा और अमन कमेटी का मेंबर। इसमें पहल की यही की जा रही है जी, अमन कमेटी के जो हमारे 63-64 संदेश चुने गए हैं हमारे इस नगीना ब्लॉक से, ये इनकी मेहनत जारी है और मेहनत कर रहे हैं, जैसे छोटे मोटे नुकसान हुआ उनकी भरपाई भी करेगी और उनके घर जाकर उनकी जो है कि सुविधा दिलाएगी। यात्रा आने की पंचायत की या मैं आगे जाके 4-5 दिन बाद डिसीजन लेंगे, अगर भाई जी उनको प्रशासन देता है इजाजत तो भाई जत निकाली जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है हमारी तरफ से, हम राजी हैं उसमें, अमन चैन से जो है उनका स्वागत करेंगे। कमेटी ये काम कर रही है जी, घर घर जाएगी उनको, जिन उन लोगों को जो झूठे फिजूलबाजी कर रहे हैं हमारे आ रहे हैं गाँवों में, कि लिस्ट दे रहे हैं जी फर्जी आदमियों के नाम दे रहे हैं, उनको समझाए देंगे मीडिया के सामने भी, मेवात को भाईचारे को जो खराब करते हैं एक दो आदमी, गांव गए पा जाते हैं एक दो उनके साथ जाएंगे, भाई तुमको क्या परेशानी है, अब मेरा गांव मरोड़ा है, मेरा पंडितों का अकेला घर है, कोई सिर दर्दी नहीं है, कैसी तरह की हमारा अब तक पहरा चला रखा है सरपंच ने, गौशाला भी बहुत बड़ी है और सार कम से कम 30-40 बच्चे आज तक भी पहरा दे रहे हैं कि बाहर का कोई आदमी ना आ करके कोई उधम ना कर जाए, तो हमारा तो सदा से भाईचारा है और भाईचारा ही रहेगा, कोई ऐसी बात ही नहीं है हमारे लिए। ये कुछ तत्व शरारती ऐसे होते हैं जो मीडिया के सामने बकवास तो कर देते हैं, पीछे इनको तोल पड़ता, पीछे माफी मांगते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए।